सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सरपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है। सब जानना चाह रहे हैं कि सरसों में आगे कैसा रुझान रहेगा, क्योंकि रूपा जी हम देख रहे हैं कि मंडियों में सरसों की अवेलेबिलिटी, जो उपलब्धता है, वो इतनी देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि अब लगभग देश का जितना भी सरसों का स्टॉक था वो पूरा खप चुका है। और अभी जो फसल है नई, वो मार्च 2022 तक आएगी। मंडियों में जो अराइवल्स देखने को मिलेंगी, जो आवकें रहेंगी, वो मार्च तक आएंगी। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, अभी जो सरसों का बाजार उछला है और आने वाले समय में जो अचानक से एकदम से उछाल आने वाला है आवकों में, उसके चलते सरसों की कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए, जो अभी स्टॉक कम की खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन आप देखिए मार्च में जैसे ही अराइवल प्रेशर आएगा तो कीमतें जो है दबाव में आ सकती है अगर अराइवल बढ़ते हैं। और एक्सपेक्टेड है कि इस बार अराइवल अच्छे खासे होंगे। अभी जो एक महीने का समय बचा है, 1 से 1.5 महीने का, इसमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है। और उस बाउंस बैक के अंदर मेरे हिसाब से जिनके पास भी फिजिकल में माल रखा है या वायदा तो है नहीं, लेकिन फिजिकल में जिनके पास माल रखा है उसको लिक्विडेट करने की ही रणनीति होनी चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर फ्रेश बाइंग काफी रिस्की हो सकती है, क्योंकि छुटमुट तेजी की हम उम्मीद कर रहे हैं कि देखने को मिल सकती है, वो भी मंडियों में, क्योंकि अभी फिलहाल माल की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके चलते अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो एडिबल ऑयल में फिलहाल तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जी।